हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरल नुस्खे में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो कि हर इंसान को पता होना चाहिए। बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, कोई भी हो, हर इंसान को ये चीज़ें पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें कब और क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किन चीज़ों को एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर उन चीज़ों को साथ में मिलाकर खा लिया जाए तो वो विष का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताने जा रही हूँ कि आपको किस टाइम पे क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे आप बीमार नहीं पड़ें और पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें। क्योंकि अगर आप गलत चीज़ें खाते हैं, अगर शाम को कोई चीज़ नहीं खानी और आप शाम को खाते हैं, तो उसका गलत इफ़ेक्ट आपके शरीर में पड़ता है। वो बिल्कुल जहर के समान काम करता है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आपको किस टाइम क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको ये बताएं, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे अगले आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, फलों का रस, अत्यधिक तेल की चीज़ें, मट्ठा, खट्टी चीज़ रात में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों को रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। घी या तेल की चीज़ें खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तीसरा नंबर, भोजन के तुरंत बाद अधिक तेज चलना या दौड़ना हानिकारक है, इसलिए कुछ देर आराम करके ही जाना चाहिए। चौथा, शाम को भोजन के बाद शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शाम को भोजन करने के बाद जितना हो सके आप खुली हवा में थोड़ी देर टहलिए, ना कि तुरंत लेट जाइए। पांचवा नंबर, तेज़ धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या शौच जाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। छठवां नंबर, केवल शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाकर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह विष हो जाता है। सातवां नंबर, कुछ पदार्थों को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए, जैसे दूध और कटहल, दूध और दही, मछली और दूध आदि। आठवां नंबर, सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर कभी नहीं सोना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं ठंड के मौसम में मोजे पहने होते हैं और वैसे ही सो जाते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, मोजे पहनकर या सिर में कपड़ा बांधकर कभी नहीं सोना चाहिए। नवा नंबर, कान में दर्द होने पर यदि पत्तों का रस डालना हो तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद ही डालना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कान में किसी बच्चे को या किसी को भी दर्द होता है तो किसी औषधि के पत्ते का रस डाला जाता है। तो अगर आप कभी ऐसा कर रहे हैं, किसी के औषधि के पत्ते का रस डाल रहे हैं, तो या तो सुबह सूरज निकलने से पहले डाल दीजिए या तो फिर शाम को सूरज डूबने के बाद ही डालिए, उससे पहले नहीं डालना चाहिए। दसवां नंबर, हींग को सदैव देसी घी में भूनकर ही उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, अगर कभी आपको हींग खाना है ठंडी के मौसम में, या कभी भी आपको हींग खाना है, तो उसको देसी घी में भून कर ही खाना है। और अगर आपको कभी हींग लगानी है कहीं पे, तो उस लेप के लिए कच्ची हींग प्रयोग में लानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।